शैतान का शैतान ही लुक देख जहाँ लोगों की छोटे पसीने तो लवली को देख लोगों ने लगाए हंसी के ठहाके। रोमांस भी देखने को मिला ऑडियंस को, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर चला किसका कितना जादू, हुई कितनी कमाई, साथ ही साथ ऑडियंस के दिलों पर किस फिल्म ने किया राज, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं दामिनी और आप देख रहे हैं बज़ूका रिव्यूज। वेल, अगर हम बात करें इस हफ्ते यानी फ्राइडे को रिलीज होने वाली फिल्मों की ना, तो तीन बड़ी फिल्में इस हफ्ते रिलीज हुई थी, जिसमें पहले नंबर पर शैतान, दूसरे नंबर पर तेरा क्या होगा लवली, तीसरे नंबर पर ऑल ऑफ अ स्ट्रेंजर था। लेकिन इन तीनों फिल्मों में से अगर हम शैतान की बात करें ना, तो शैतान को लेकर ज्यादा बस ऑडियंस के अंदर देखने को मिला था। फर्स्ट डे पर इसकी अच्छी खासी कमाई भी हुई, 14.2 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है शैतान ने। जहां एक तरफ शैतान को लेकर ये खबरें काफी ज्यादा लाइमलाइट में थी कि वर्ष का रीमेक है ये, तो ये भी थोड़ा प्यार तो इसे ऑडियंस से मिल ही गया है। लेकिन ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जितना फर्स्ट डे पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है शैतान का, क्या ये रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएगी शैतान आगे आने वाले दिनों में। वेल, अब हम बात करते हैं दूसरी फिल्म यानी तेरा क्या होगा लवली के बारे में। इस फिल्म के बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। 1 करोड़ तो दूर की बात है, ये फिल्म 0.05 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ही सिमट कर रह गई है। यानी एक तरफ शैतान तो दूसरी तरफ तेरा क्या होगा लवली। करण कुंद्रा, लियाना डिक्रो जैसे एक्टर और एक्ट्रेसेस होने के बावजूद भी इस फिल्म का जादू ऑडियंस के दिलों पर नहीं चला है फर्स्ट डे पर। अगर अब हम बात करें अपनी तीसरे फिल्म यानी कि ऑल ऑफ अ स्ट्रेंजर के बारे में, तो ऑल ऑफ अ स्ट्रेंजर को लेकर भी थोड़ा बस ऑडियंस के अंदर देखने को मिला था। इसकी टिकट प्राइस भी इंडिया में काफी महंगी थी, लेकिन फर्स्ट डे पर भी इसका जादू कुछ खास नहीं चला है ऑडियंस के दिलों पर। रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सामने नहीं आया है, जिससे ये तो साफ है कि कुछ खास कमाल नहीं दिखा है इस फिल्म का। अब हम बात करते हैं तीनों फिल्मों के बारे में। तीनों फिल्मों से अगर कंपैरिजन करें एक दूसरे का, तो इस दौरान शैतान फिल्म दोनों भी फिल्मों से काफी ज्यादा कमाई करती हुई नजर आ रही है। यूं कहें तो पिछले कुछ हफ्ते में जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं, उनमें से फर्स्ट डे पर बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन सबसे ज्यादा किया है शैतान ने। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ऐसे ही ऑडियंस के दिलों पर राज कर पाएगी ये फिल्म, या फिर धीरे धीरे हो जाएगा ऑडियंस का इंटरेस्ट कम। क्या लगता है आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मूवी रिव्यूज के लिए, अननोन फैक्ट्स के लिए देखते रहें बज़ूका रिव्यूज चैनल को। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।